सभापति जी, जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पाठ जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, वो हमें सामाजिक न्याय के पाठ पढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, यहां एक शिकायत थी और उनको लगता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम ऐसा क्यों देख रहे हैं। देश और दुनिया उनके 10 साल के कार्यकाल को ऐसे क्यों देखती थी, देश क्यों नाराज हो गया। इतना गुस्सा देश को क्यों आया। आदरणीय सभापति जी, हमारे कहने से सब नहीं हुआ है, खुद के कर्मों के फल और अब तो सामने रहते हैं, वो कोई दूसरे जन्म में नहीं होते हैं, इसी जन्म में। आदरणीय सभापति जी, कुछ हम किसी को बुरा नहीं कहते, हमें क्यों कहना चाहिए। जब उन्हीं को लोगों ने बहुत कुछ कहा हो तो मुझे क्या कहने की जरूरत है। मैं एक वक्तव्य सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं पहला कोट पढ़ रहा हूं, सदस्यगण जानते हैं कि कोटेशन है, सदस्यगण जानते हैं कि हमारी ग्रोथ धीमी हो गई है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। महंगाई दर बीते 2 वर्षों से लगातार बढ़ रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक हो चुका है, ये कोट मैंने पढ़ा। ये किसी भाजपा के नेता का कोट नहीं है, नहीं, ये कोट मेरा है। आदरणीय सभापति जी, यूपीए सरकार के 10 साल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पीएम के रूप में रहे श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने कहा और खुद के कार्यकाल में कहा, ये हालत थी, उन्होंने वर्णन किया था। आदरणीय सभापति जी, अब मैं दूसरा कोट पढ़ता हूं। देश में व्यापक गुस्सा है, पब्लिक ऑफिस के मिसयूज को लेकर भारी गुस्सा है। इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज कैसे होता था, ये उस समय ये भी मैंने नहीं करा, ये उस समय के प्रधानमंत्री पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे थे। उस समय भ्रष्टाचार को लेकर पूरा देश सड़कों पर था, गली गली में आंदोलन चल रहे थे। अब मैं तीसरा कोट पढ़ूंगा, एक संशोधन की कुछ पंक्तियां हैं, इसको भी आप सुनिए। टैक्स कलेक्शन में भ्रष्टाचार होता है, इसके लिए
जीएसटी लाना चाहिए, राशन की योजना में लीकेज होती है जिससे देश का गरीब सबसे अधिक पीड़ित है, इसको रोकने के लिए उपाय खोजने होंगे। सरकारी ठेके जैसे दिए जा रहे हैं उस पर शक होता है, ये भी तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था, और उसके पहले और एक प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से एक रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है। सुधार, बीमारी का पता था, सुधार करने की तैयारी नहीं थी, और आज बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही है। कांग्रेस के 10 साल का इतिहास देखिए, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में, दुनिया में कहा जाता था, मैं नहीं, दुनिया कहती फ्रेजाइल 5, पॉलिसी पैरालिसिस, ये तो उनकी पहचान बन गई थी, और हमारे 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी वाले। हमारे बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए 10 साल याद किए जाए। आदरणीय सभापति जी, हम उस कठिन दौर से बहुत मेहनत करके, सोच समझ करके देश को संकटों से बाहर लाए हैं। ये देश ऐसे ही आशीर्वाद नहीं दे रहा है,